बताओ, अगर सब बात अच्छी थी तो कर्नाटक कैसे चला गया इनके हाथ से विधानसभा इलेक्शन में? हिमाचल कैसे चला गया? वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं कामयाब हो पाए? साउथ इंडिया में इनको वोट क्यों नहीं मिलते हैं? ये तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा के। आप मेरे को एक बात बताइए, प्रदीप बोराड़ी जी और उनके अलावा जो भी ये तथाकथित कुत्ते बन के भौंकते हैं, सनातनी धर्म का गले में पट्टा डाला हुआ है, धर्म की रक्षा का पट्टा डाला हुआ है, मोदी जी की तारीफ का पट्टा डाला हुआ है, ये गले का पट्टा कब हटेगा आपका? सच का तगमा कब लगाओगे? सच का ताज कब पहनोगे प्रतीक बोराडे जी? दोस्तों नमस्कार। प्रतीक बोराडे के बारे में मैं भर्त्सना करता हूँ केवल इस कारण से कि ये आशाराम बापू जैसे रेपिस्ट को, जो कि भारतीय कानून और संविधान के हिसाब से बंद है कई सालों से, जिसकी जमानत कई बार सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीश ने कम से कम 10 बार रिजेक्ट की है, उनकी ये फोटो लगाते हैं प्रदीप बोराड़े जी, अपने आप को धर्म का, सनातन का ये ठेकेदार मानते हैं। इनको ये उपाधि किसने दी मुझे खुद नहीं पता, मुझे किसने दी उपाधि मैं मानता नहीं इस चीज़ को। मैं कौन हूँ बोलने वाला, केवल एक भारतीय युवक होने के नाते, 50 साल का हूँ तो आप अधेड़ कह लो, बूढ़ा कह लो, कुछ कह लो। इनसे पूछो कि आप आशाराम बापू जैसे रेपिस्ट को आप सपोर्ट करते हो और आप जवान फिल्म को आप भर्त्सना करते हो, भारतीय जनमानस की आप तुलना करते हो बेवकूफ़ों से, क्योंकि वो फिल्म 5 दिन में 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर सके। स्क्रीन पर मैं शॉट दे रहा हूँ, इसका कलेक्शन गूगल से ताजा ताजा आज ही का निकाला होगा। आप एक स्वर में सारे लोग इनकी भर्त्सना करते हैं। इनकी 4 मिनट 27 सेकंड की वीडियो मैंने करी है, थोड़ी सी 10% मैंने फास्ट करी है, थोड़ी स्लो बोलते हैं। इनके बारे में मैं एक ही लफ्ज बोलूँगा दोस्तों, पहले वीडियो देख लेते हैं, मगर फिर भी एक लफ्ज में बोलूँगा, मुँह में राम बगल में छुरी। सनातन धर्म के, सनातन के और ये वामपंथियों को भर्त्सना करते करते खुद मोदी भक्त बन चुके हैं, अंधे भक्त बन चुके हैं। मुँह में राम बगल में छुरी, और ये जो सनातन धर्म के ठेकेदार बने, इनको मैं एक भोंकता हुआ कुत्ता मानता हूँ दोस्तों। आप मेरी इस बात से सहमत नहीं करेंगे, पहले इनकी वीडियो देख लेते हैं। ओम नारायण 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 नारायण, सब मित्र को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब दोस्तों? सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों शाहरुख खान ने अभी G20 समिट की सफलता के बाद में मोदी जी को जो धन्यवाद दिया है, और मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेगा, ये बात शाहरुख खान ने कही है। वो ट्वीट आप में से कई सारे मित्रों ने देखा ही होगा। पर दूसरी तरफ देखिए, जवान फिल्म की अगर हम बात करें तो जो I.N.D.I. अलायंस है, इंडिया अलायंस, उनके द्वारा लगातार मतलब जवान इस फिल्म को कैसे प्रमोट किया जा रहा है, विशेषतः आम आदमी पार्टी ने तो काफ़ी जोर शोर से इसे प्रमोट किया। स्वाभाविक सी बात है, मैंने तो इसके रिव्यू में ही कहा था कि केजरीवाल राहुल गांधी इनके स्पीचेस से काफ़ी इंस्पायर्ड है वो फिल्म, तो उनके द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, और कुछ फ्री टिकट्स वगैरह भी बांटने की बातें, मैंने वो ट्वीट वगैरह भी आपको दिखाया। और क्लियरली फिल्म में अगर हम देखें, जवान इस फिल्म में, तो बहुत सारी तथ्यहीन भ्रामक बातें, जो कुछ भी राहुल गांधी या केजरीवाल करते हैं मोदी सरकार के विरुद्ध, वही सारी की सारी बातें हम जवान इस फिल्म में भी देख सकते हैं। तो एक तरफ तो फिल्म का ये नरेटिव है, और उसके साथ में ही जो शाहरुख खान के फैंस हैं वो भी, चलिए अब मैं आपको बताऊं उसकी अपेक्षा उनका खुद का रिएक्शन शाहरुख खान के फैंस का, आप देखिए। वोट जो भी दो, हाँ? मंत्री सोच के दो, मोदी को वोट दो, आगे भविष्य के लिए आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जो दिखाई गई है बीजेपी सरकार बदलने के लिए, मूवी दिखाई गई है बीजेपी को बदलने के लिए दिखाई गई है। भाई अंधभक्तों को अगर अभी समझ नहीं आए, उंगली का यूज अगर अंधभक्तों को अभी समझ नहीं आए, तो आगे अंधभक्त है भाई वो। ऐसी मूवी आती है नफरत फैलाने के लिए, ऐसी मूवी आती है देखने दिखाने के लिए। 15,000 का भी टिकट ले लेंगे भाई जाकिर मलिक, जाकिर मलिक के 15,000 का टिकट भाई ले लेंगे। शाहरुख खान ना कल बुड्ढा था, ना आज बुड्ढा है, ना कभी बुड्ढा रहा। 40,00,000 करोड़ अडानी के माफ कर दिए, पैसा हो तो सरकार कुछ भी कर सकती है, ये सब कुछ दिखा फिल्म में। क्यों जाएंगे बाप रे तो? शाहरुख खान भाई कभी फ्लॉप नहीं था, फुल तगड़ा सिस्टम फाड़ देंगे। सनी पाजी उनके सामने कुछ भी नहीं है, इधर फिल्म में भागा भागा फिर रहा था सनी देओल। सनी देओल ही उड़ा, सनी देओल ही उड़ा। इस साल सिर्फ नाम किंग खान का ही रहेगा और किसी का। तो कुल मिलाकर फिल्म की जो थीम है वो ऑब्वियसली केजरीवाल और राहुल गांधी के स्पीचेस से प्रेरित है। दूसरी तरफ जो फैंस हैं वे भी ये ज़्यादातर फैंस ये एग्री करते हैं कि भाई ये तो मोदी सरकार के या बीजेपी के विरुद्ध है वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें हमें सुनने को मिलती है। और दूसरी तरफ फिर शाहरुख खान का इस प्रकार का ट्वीट हमें देखने को मिलता है। अब इस ट्वीट की तरफ देखने का हर किसी का अपना अपना एक दृष्टिकोण हो सकता है, किसी किसी को ये बिल्कुल जेन्यून लग सकता है, और किसी किसी को लग सकता है कि शायद बैलेंसिंग के लिए ये ट्वीट किया गया हो। वैसे भी बॉलीवुड के कई सारे अलग अलग जो तथाकथित स्टार्स और तथाकथित सेलिब्रिटीज़ हैं उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है, और वैसे भी अब इतना बड़ा सफलतापूर्वक जो G20 समिट का आयोजन हुआ उसके बाद में अगर वो कुछ बोलते नहीं तो
इस कारण से अब वो ट्वीट कर दिए गए होंगे, जो भी उसके पीछे कारण हो। पर देखिए, अभी जवान की थीम के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, तो एक दिखता है हमें, इवन जो वामपंथी पत्रकार है वो भी कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने जवान के माध्यम से बीजेपी की सरकार को एक कड़ा संदेश दिया है वगैरह वगैरह, और वो थीम भी हम देखते ही है मोदी विरोध की, में जो कुछ दूसरे विपक्षी नेता जो पॉलिटिकल रैलीज में बातें करते हैं वही सारी बातें जवान में भी हमें देखने को मिलती है। तो हो सकता है कि शायद एक बैलेंसिंग के लिए शाहरुख खान के द्वारा ये ट्वीट किया गया हो या जेन्युइनली किया गया हो, ऐसा भी आपको लग सकता है। बिल्कुल, हर किसी का अपना ओपिनियन है। अब जो कुछ हम रिएक्शन देख रहे हैं फिल्म के बाद में फैंस के, उनमें से ज़्यादातर तो शायद ट्वीट उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा, तो फिल्म के माध्यम से तो एक अलग ही नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया है ऐसा हमें पता चलता है। बाकी जवान के जो तमिल वर्जन के जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो राइट्स है वो तो उदयनिधि स्टैलिन के रेड जायंट मूवीज़ के पास में है, अब वो तो स्वाभाविक सी बात है इंडिया अलायंस में ही है। तो फिल्म के तमिल वर्जन के डिस्ट्रीब्यूटर, उसकी थीम, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ या फैंस के द्वारा कही गई बातें या वामपंथी पत्रकार जो बातें कह रहे हैं या तथाकथित फैक्ट चेकर जो बातें कह रहा है या इंडिया लेंस के नेता जिस प्रकार से इसको प्रमोट कर रहे हैं, वो सब कुछ तो हमें इतनी सारी बातें कुछ दूसरी तरफ का कुछ दूसरा ही चित्र हमें दिखा रही है। और ये जो ट्वीट है वो उसमें कुछ अलग ही बात हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो विरोधाभास है इन दोनों बातों में, इस पर आपके विचार क्या है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। देखिए दोस्तों, आपने इनकी नफरत से भरी हुई वीडियो, वो कहते हैं ना गाना रेडी फिल्म का सलमान खान गाया था, वो करे तो साला सब कुछ ठीक है और मैं करूँ तो साला करेक्टर ढीला है। शाहरुख खान ने G20 समिट की सफलता पर 10 या 11 तारीख को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने भर भर के मोदी साहब की गवर्नर्स की सरकार की तारीफ करी है, मगर उस तारीफ में भी इनको लोचा दिख रहा है। और ये आशाराम बापू जैसे रेपिस्ट जो कि संविधान और कानून के हिसाब से भारतीय संसद के हिसाब से बंद है जेल में, सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 बार 10 बार बल्कि उनकी बेल रिजेक्ट कर दी, उसको ये कंडम करते हैं। ये कहते हैं कि किसी षड्यंत्र के तहत उनको अंदर डाला गया है, उनको ये बाबा ही मानते हैं, अपना गुरु अपना आदर्श मानते हैं। फोटो भी इनके आप चैनल पर देख सकते हैं। प्रदीप बुराड़े जी से मैं पूछता हूँ, ये सनातनी धर्म की रक्षा का जो पट्टा अपने कुत्ता बन के जो गले में बांधा, उसे कब उतारोगे? मोदी के अंधभक्त ना बनो, सच का साथ दो। क्या मोदी जी की 10 में से 10 बातें सही होती हैं? आप सारी बातें वही गिनाते हो जो सही होती हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं। आप ये बताओ, अगर सब बात अच्छी थी तो कर्नाटक कैसे चला गया इनके हाथ से विधानसभा इलेक्शन में? हिमाचल कैसे चला गया? वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं कामयाब हो पाई? साउथ इंडिया में इनको वोट क्यों नहीं मिलते? ये तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा के। आप मेरे को एक बात बताइए, प्रदीप बोराडे जी और उनके अलावा जो भी ये तथाकथित कुत्ते बन के भौंकते हैं, सनातनी धर्म का गले में पट्टा डाला हुआ है, धर्म की रक्षा का पट्टा डाला हुआ है, मोदी जी की तारीफ का पट्टा डाला हुआ है, ये गले का पट्टा कब हटेगा आपका? सच का तगमा कब लगाओगे? सच का ताज कब पहनोगे प्रदीप बोराडे जी? जब तक आप आशाराम बापू जी को कंडम नहीं करते, जब तक ओ माई गॉड टूपर की भी अपनी टिप्पणियों के लिए आप खेत प्रकट नहीं करते, तब तक मैं आपको सही नहीं मानूंगा। ये राम राम करना बंद कर दो। ये राम राम नारायण नारायण आप करते हो तो मुझे बगला भगत याद आता है, जो मछली पकड़ने के लिए संत बन जाता है, बगला भगत कहते हैं उसको। आप वैसे ही बगला भगत हो, आप तथ्यों पर नहीं चलते। शाहरुख खान ने अगर ट्वीट किया तो आप उसमें भी कुछ चाल समझते हो। आप कहते हो उसने बैलेंस करने के लिए किया है, और ये जवान फिल्म को आप बता रहे हो केजरीवाल और राहुल गांधी के भाषणों से प्रेरित है, ये आप गलत कह रहे हो। आप ये बताओ, 1943 में किस्मत फिल्म बनी थी, उसमें एंटी हीरो था, चोर था, उसको लोगों ने पसंद किया, पहली 1 करोड़ फिल्म थी जिसने कमाया था, बॉलीवुड के इतिहास में पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, तो वो फिल्म किससे प्रेरित थी? आप ये बताओ, नेहरू से प्रेरित थी, इंदिरा गांधी से प्रेरित थी, मोदी जी से प्रेरित थी, केजरीवाल से प्रेरित थी, राहुल गांधी से प्रेरित थी? आप फिल्मों को फिल्म ही रहने दो। आप समीक्षा करो सामाजिक मुद्दों की, जैसे मैं भी करता हूं, फिल्मोग्राफी एंड सोशल टेस्ट। फिल्मोग्राफी का मतलब फिल्म की समीक्षा, नाटक की समीक्षा, वेब सीरीज की समीक्षा देखी हो तो, और बाकी मैं सोशल टेस्ट में ये टॉपिक उठाता हूं जो आपने बोला है। प्रदीप बुराड़ी जी, ये भौंकना बंद कर दो आप। हमें खतरा उन लोगों से नहीं है, उन उदयनिधि स्टालिन जैसे लोगों से जिन्होंने इसके साउथ के राइट लिए अपनी कंपनी से और करोड़ों कमाए हैं, और फिल्म भी 5 दिन में वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ का नेट कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है, और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है भारतीय सिनेमा इतिहास के 100 साल की फिल्म, मगर उसको पसंद करने वाली जनता को आप बेवकूफ बता रहे हो और कैपिटल सी बता रहे हो आप। बहुत ही शर्मनाक हरकत है ये। ओ माई गॉड 2 में अक्षय कुमार के द्वारा उसमें ये बताया गया था सेक्स एजुकेशन का, मगर उसको आपने कंडम किया, वो आपने गलत किया। आप द कश्मीर फाइल को प्रमोट करते हो, अच्छी बात है। आप द वैक्सीन वार को प्रमोट करो, अच्छी बात है। ताशकंद फाइल को करो प्रमोट, अच्छी बात है। मगर आप किसी अच्छी ब्लॉकबस्टर फिल्म को भी कंडम करोगे और अपनी बात पे अड़े रहोगे तो वो चीज़ तो मुझे गलत लगती है आपकी ना। आपने लगभग इस पे जवान फिल्म पे डेली 4 वीडियो आप बना रहे हो, 7 तारीख को ये फिल्म रिलीज हुई थी,
आप 17-18 वीडियो बना चुके हो, लाइव सेशन कर चुके हो, आप क्यों कर रहे हो? आप चुप होकर बैठ जाओ ना जब आपकी बात गलत सीध हो गई है। गदर टू की मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं भी चुप बैठ गया। बाद में मैंने उसके कलेक्शन दिए बॉक्स ऑफिस के। आप जवान फिल्म के कलेक्शन नहीं देते, आप वो बुक माई शो में दिखाते हो सीटें खाली हैं पुराने, गलत कर रहे हो आप। ये आशा रानी जी को पसंद करना बंद कर दो, उमाई गोट टू के लिए खेद प्रकट करो, जवान फिल्म की सफलता के लिए आप उसकी प्रशंसा में दो शब्द बोलो। शाहरुख खान ने जब मोदी जी की तारीफ करी तो उसमें भी लोचा दिख रहा है, तो आप भी लोचा कर दो। आप ये समझते क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश चला गया विधानसभा में, जबकि वहां पहले बीजेपी थी, वहां कांग्रेस आ गई। 5 राज्यों में दिसंबर में इलेक्शन है, चुनाव है। आप जैसे तथाकथित धर्म के ठेकेदार जो कुत्ते हैं असल में, इनसे नुकसान हो रहा है मोदी जी को और बीजेपी को और हमारे को। हमें भी चाहिए शासन मोदी जी का हर प्रदेश में, मगर कर्नाटक हिमाचल के इलेक्शन के नतीजे आपके सामने है, वेस्ट बंगाल के आपके सामने, गुजरात में भी अच्छे मोर्चे से जीत गई, अच्छी बात है, तो गढ़ है उनका। लेकिन आने वाले 5 राज्यों में क्या हाल होगा, दिसंबर में क्या पोजीशन होगी, आप समझते नहीं है बात को ना। 2024 में क्या पलटा बैठेगा? और जो ये आपने भीड़ दिखाई है, जिसका वीडियो आपने डाला, मैं इनको कुत्ता ही मानता हूं, चाहे मोदी की तारीफ करने वाले हो चाहे मोदी को नफरत करने वाले हो, मैं इनको कुत्ता मानता हूं भोगता हुआ। तथ्यों से परे बात करते हैं, तथ्यों में बात करो ना आप। दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद है, मेरी बात से सहमत है सहमत हो, तो कृपया कमेंट द्वारा अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। 1,000 का टारगेट है फिलहाल, उसके बाद 10,000 का हो जाएगा सीधा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।